우리 엄마게. जिससे आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हो, बस दो मिनट, ज्यादा नहीं. ओके, किताब दो हमें जल्दी. दरअसल मैं मेक्सिको से हूँ, कमेला. लेकिन यहाँ के लोग मुझे कमील कहते हैं. मैं 8 साल से पेरिस में रह रही हूँ. और तारीफ के लिए शुक्रिया. कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ. आपको ड्यूपों पसंद है? अभी मत कहिए, ये आपके भी फेवरेट है. मुझे थोड़ा सा स्लो लगता है. थोड़े बोरिंग तो है. है ना, हम इसे साथ रखते हैं ताकि जल्दी से पूरी पढ़ सके, या उससे बेहतर कहीं उसे खो दे. आपको कला की बात करनी चाहिए थी. नहीं, आप नहीं करना चाहते थे. वैसे कल आप जब गा रही थी तब हम मनी मन यही सोच रहे थे कि इस औरत की प्लेलिस्ट में कौन कौन से गाने होंगे. हमने तो कुछ 20-30 गाने भी सोच लिए जो हमें लगा शायद आप सुनती हो. मैं स्पॉटिफाई यूज नहीं करती, मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं बस. चलिए बोलिए, देखते हैं सही है या नहीं. हम आपको एक नहीं दो गाने बताएंगे, और अगर हम सही हुए तो आपको हमें दावत देनी होगी खास जगह पे. वीसे वैनेसा पराडी और विनिसियस डी मोराइस. क्या बात है, दोनों सही बताएं. और अब हमारी तरफ से खुशखबरी सुनिए, आपको हमें अभी दावत देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक पुराने दोस्त से मिलने आए हैं. वो देखो, वो आ भी गया. बड़े दिनों बाद मिले. कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, और तुम? हाँ, तुम कैसे हो? हम तो बहुत बढ़िया हैं. चलो ठीक है, हम फिर किसी दिन अपनी किस्मत आजमाते हैं. क्या पता आपको फिर सुनने का मौका मिले. जरूर, मिलकर खुशी हुई. मुझे भी. थैंक यू, आई लव पेरिस. मिलते हैं. चलो. थोड़ी सी ओवर एक्टिंग हो गई थी, पर ठीक है, भागिए मत. धीरे धीरे इस तरफ हम यहाँ बैठने वाले हैं दरवाजे के बगल में. ओके, देखते हैं उसके दिल में मेरे लिए प्यार का दिया जला या नहीं. और वो हमें कैसे पता चलेगा? एक इशारे से. अगर यहाँ से निकलते हुए उसने हमारी ओर देखा या मुस्कुराई तो समझो काम हो गया. नहीं नहीं, वहां मत देखिए. चलो आप बातें करते रहिए. रोहित, तुम्हारी दादी कैसी है? मेरी दादी वो आ रही है, अपनी दादी के बारे में बताते रहिए. बताइए कुछ भी. वो घर पे हमेशा की जैसे हमेशा घर पे रहती है, और जब भी हम उनसे मिलते हैं वो हमेशा घर पे. ये क्या हो गया? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? नादिया का नाम मुस्कुराई. यकीनन आपने सारे दांव सही खेले, पर आखिर में वो पॉलिना की बीवी है. आप ये बोल रहे हैं कि वो शादीशुदा है? नहीं नहीं, शायद हमने उन पर उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम बाकी मर्दों की तरह उनके लिए पलके बिछाए नहीं बैठे थे. और ये भी तो हो सकता है कि वो खुद में इतनी चूर हो कि उन्हें लगा हम दोनों गे हैं. उन्होंने आपको हाई करते देखा जब आप अंदर आ रहे थे. आप इतना चहक रहे थे जैसे आपने किसी बड़े स्टार को देख लिया. पर आपने ही तो कहा था कि हम दोनों ने एक दूसरे को सालों से नहीं देखा. कहा था, लेकिन 3 बार किस करने की जरूरत क्या थी? पर फ्रांस में सब ऐसे ही तो. इतना जान लीजिए कि ना तो आप फ्रेंच हैं और ना ही मैं फ्रेंच हूँ, और दो स्पेनिश मर्द एक दूसरे को ऐसे किस नहीं करते. हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है. ये रिश्ता शुरू होने से पहले ही टूट गया.